हेमंत के आगे लगा दो। देवी और सज्जनों, फूल वालों की सैर, सैर गुल के इस मुकद्दस मौके पर आज अख्तियार काकी के दरगाह पर मौजूद होकर बहुत खुशी हुई। ये त्यौहार हिंदू त्यौहार नहीं, ये मुस्लिमों का भी त्यौहार नहीं, एक हिंदुस्तानी त्यौहार है, ये दिल्ली का एक पर्व। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं यहाँ आज मौजूद हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसको और पुरजोश से बढ़ाने का कार्य करूँगा। फूलों की चादर पेश करते हुए मैं ख्वाजा साहब से दरख्वास्त कर आया हूँ कि मुल्क में शांति हो, देश में अमन चैन हो, सब तरफ बरकत हो, सब धर्म मिलकर एक होकर सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में सोचें, आपस के बारे में। जिस तरह फूलों की खुशबू का या उसकी महक का कोई रंग नहीं होता, उसी तरह आपसी भाईचारे और अशफाक की भावनाओं का कोई मतलब आप पीछे से लिया है, कोई जाति नहीं। यही प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का सिद्धांत भी है, जिसे हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। फूल वालों की सैर की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में 1812 में हुई। फूल वालों की सैर का मतलब है फूलों की बारात, जो कि सालाना उत्सव है। परंपरागत रूप से महरौली के ऐतिहासिक स्थानों में बारात सामने में सजाया जाता है, मनाया जाता है। दुनिया की तमाम संस्कृतियाँ, इसमें भारतीय संस्कृति का आदर सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये संस्कृति आपसी सहमति, बंधुत्व का भाव और पारंपरिक सौहार्द ऋग्वेद कहता है कि भारतीय संस्कृति का आधारभूत तत्व विश्व का कल्याण एवं सौहार्द की भावना है। दरअसल भारतीय संस्कृति दो खास पहलू से जुड़ी हुई है, रूहानियत और धार्मिक सहिष्णुता। जहाँ धार्मिकता भारतीय संस्कृति का आंतरिक पहलू है, वहीं धार्मिक सहिष्णुता हमारी बाहरी। हमारी संस्कृति और परंपरा में समाई इसी आध्यात्मिक और तहजीब के अनूठे मिश्रण का नाम है फूल वालों की सैर। इसे दिल्ली की मिली जुली संस्कृति के एक बहुत सुंदर उदाहरण के रूप में देखा जाता है, इसने शहर की अनेकों परंपराओं को अपने समाया हुआ है। यह पारंपरिक आयोजन ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर, जो माया मंदिर समेत पूरे महरौली क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया गया, इस दौरान दरगाह व मंदिर को हिंदू मुस्लिमों द्वारा मिलकर रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है, जो सौहार्द और एक दूसरे के प्रति इज्जत की भावना को दर्शाता है। इस मौके पर ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर हजारों की तादाद में हिंदू और मुसलमान दोनों मन्नत मांगते हैं। साथ ही लोग माया जी के मंदिर को भी फूलों से सजाया जाता है और स्थानीय मुस्लिम भी इस योग माया के दर्शन करके उसका लाभ उठाते हैं। ऐसा करते हुए हम हिंदू या मुसलमान नहीं रहते, हम हिंदुस्तानी होते हैं। हिंदुस्तानी रूप दरिया का एक ऐसा पहलू है जिसे विश्व के कोने कोने से लाई हुई सैकड़ों नदियाँ एक साथ मिलकर बनाती हैं। यही धारा हिंदुस्तानियत है और इसी का एक पहलू हम सब साथ मिलकर मनाया करते हैं, जिसे हम फूल वालों की सैर। मुझे कुछ चंद लाइनें याद आ रही हैं जिसे मैं
आप सामने पेश करने के लिए गुस्ताखी करूँगा। और इन लाइनों से मैं एक जो आप सबसे बात कहना चाहता हूँ, शायद हम सबको अपने जहन में उतार लेना चाहिए। आपस में लड़े, खून भी बहाया है बहुत, पर जो कुछ भी हुआ है उसे अच्छा है भला। हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख ईसाई, शहदा है वतन पर हम दुनिया को दिखा दें। मिलजुल के भला क्या नहीं हो सकता बखूबी, मिलजुल के भला क्या नहीं हो सकता बखूबी, आवाज में हर शख्स की आवाज मिला दो। अगर हम इस को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं, मैं समझता हूं कि ये मुल्क दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क बन सकता है। आज जरूरत है कि हम सबको अपने मुल्क के लिए ही निछावर हो जाना। आज मैं ये कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि दरगाह पर आने का मुझे मौका मिला। और हमेशा ऐसा कहा जाता है कि इन सूफी दरगाहों पर लाख चाहने के बावजूद भी आदमी पहुँच नहीं पाता जब तक कि उसको बुलावा ना आए। और आज मेरा खुशनसीबी है कि मुझे इनका बुलावा आया और मैं यहाँ पर आया। आपका इतना जोर शोर से मेरा खैर मकदम हुआ, जिस मोहब्बत से मुझे आपने रिसीव किया, मैं आपसे वादा करता हूँ इस मोहब्बत को मैं दुगना आपको हमेशा लौटाने का।